नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में मायावती क्यों जरूरी हैं। बहुजनों की इकलौती नेता बहन कुमारी मायावती, जब भी कभी इलेक्शन आते हैं तो देश में सबसे पहले याद आती है बीजेपी, फिर याद आती है कांग्रेस, या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी। देश की जनता क्यों नहीं जानती तीसरा नाम, जो बहुत बड़ा नाम है, जिसको बहुजन पार्टी का नाम दिया जाता है, वो है बहन कुमारी मायावती। क्या दलितों के नेता बनना या देश में दलितों का प्रधानमंत्री होना कोई गुनाह है? योग्यता भी भरपूर, बहुजन समाज का साथ भी भरपूर, फिर क्यों नहीं बन पाते हमारे नेता? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसे बहुजन कहा जाता है, जिसमें पूरे देश की आज 80 से 85% जनता बहुजन समाज में आती है, और जो 85% जनता आती है वो करीबन SC ST OBC के लोग आज एकत्रित नहीं होते हैं। कहीं भी थोड़ा सा पैसा आता है या योग्यता आ जाती है, अपनी पार्टी का निर्माण करते हैं या अपने संगठनों का निर्माण कर लेते हैं। क्यों नहीं बहन कुमारी मायावती इकलौती नेता को समर्थन करते हैं? आज मायावती को क्यों ज़रूरत है गठबंधन सरकार बनाने की, जबकि देश के अंदर अगर 85% जनता कहीं भी एक हो तो वो इकलौती ही वन साइड पोलिंग हो जाती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान को रचते हुए कि उनके दलित पिछड़े लोग जो भी पीछे रह गए हैं वो एकत्रित हो जाएं, उन्होंने इस तरीके से संविधान बनाया था। और बाबा साहब ने आगरा के एक मीटिंग में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। क्यों ऐसा कहा था बाबा साहब ने? क्योंकि बाबा साहब को लगता था कि अगर मैं इतना बड़े संगठन को, इतने सारे समाज के लोगों को जोड़ सकता हूं, तो मेरे जैसे अगर 10 लोग भी काबिल एकत्रित हो जाएंगे तो पूरे देश को एक माला में पिरो देंगे। अगर SC ST OBC के लोग एकत्रित होकर बहन कुमारी मायावती को वोट दे दें तो ना तो देश में आरक्षण जलाने की बार बार बातें आएंगी, ना देश में मूर्ति तोड़ने की जैसी बातें होंगी, ना बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आएंगी। उसका जीता जागता उदाहरण है बहन कुमारी मायावती का देश के सबसे बड़े राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बार का शासनकाल। उन्होंने अपने शासनकाल के अंदर करप्शन, बलात्कार, गुंडा राज जैसे सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक दलित लीडर हैं, जिसका नाम है बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने संपूर्ण जीवन अपना शोषित वंचित लोगों की सेवा में लगा दिया। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या आप अपनी बहन को, अपनी माँ को इस देश के समाज के लिए भेज सकते हैं उसकी सेवा में? नहीं ना दोस्तों, सिर्फ एक लेडी है जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के समाज के कार्यों में लगी हुई हैं। क्यों नहीं हम उनको वोट देते हैं? देश विदेश के लोगों ने भी उन्हें माना है और उन्हें आयरन लेडी के अवार्ड से सम्मानित किया है। विदेशी लोग तक उन्हें मानते हैं। देश में अधिकतर घटनाएं आती रहती हैं बलात्कार की, देश में घटनाएं आती रहती हैं मूर्ति तोड़ने की, बाहुबलियों के अत्याचार की। इस तरीके के समाज को समाप्त करने के लिए सिर्फ एक ही लेडी है और वो है बहन कुमारी मायावती। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहन कुमारी मायावती को 5 बार का शासनकाल देकर उन्होंने इस बात को देखा कि नारियों को कहीं ना कहीं उनको मुक्तिदाता के रूप में अगर कोई नेता मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती मिलती है। बहन कुमारी मायावती दलित नेता जरूर हैं, लेकिन वो सबका साथ सबका विकास लेकर हमेशा चलती हैं, नारियों के उत्थान के लिए, गरीबों की ज़रूरतों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, और शिक्षा के ऊपर उन्होंने बहुत कड़े कदम उठाए और इस बात का उत्तर प्रदेश गवाह है। आप भी अपने समाज को उठाना चाहते हैं, हर एक समाज को, कोई दलित समाज नहीं, मायावती कोई एक दलितों की नेता नहीं है, उनको सभी समाज उनको बहुत प्यार करता है, सबसे बड़ी बात है। एक इकलौती नेता देश के अंदर हैं जो बहुत बड़े संगठन की नेता हैं, और दोस्तों आज उनको कहीं ना कहीं अपने लोगों की बहुत आवश्यकता है। अगर ये समाज, ये लोग सारे एकत्रित हो जाएं तो 85% वोट आपका भी नेता बनेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें,
और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं किसी भी विषय के ऊपर तो हमारे दिए हुए नंबर के ऊपर आप ज़रूर कॉल करें। व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा, आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश की बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।